हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में। फ्रेंड्स, जब आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराते हो या कोई भी करेक्शन अपने आधार कार्ड में कराते हो तो आपको अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक कराना होता है कि आपका आधार अपडेट हुआ है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से घर बैठे ही अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो भी बिना कहीं जाए अपने मोबाइल फोन से ही। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है UIDAI। टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपको यहाँ पर आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट शो होगी, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक अपडेट आधार का सेक्शन शो होगा, जस्ट यहाँ पर इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा चेक आधार अपडेट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास या तो एनरोलमेंट आईडी होनी चाहिए, जो आपको आधार कार्ड सेंटर से एक स्लिप मिलती है उसके ऊपर अवेलेबल रहती है। अगर आप अपने आसपास के CSC सेंटर से अपना आधार अपडेट कराते हैं तो आपको एक SRN सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या URN अपडेट रिक्वेस्ट नंबर मिलता है। अगर वो आपके पास है तो उससे भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि एनरोलमेंट आईडी किस तरीके से यहाँ पर फिल करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी एनरोलमेंट स्लिप पर 14 डिजिट का एक एनरोलमेंट नंबर होता है और 14 डिजिट आपके डेट और टाइम होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 28 डिजिट बनते हैं, वही आपकी एनरोलमेंट आईडी है। लेकिन उसको डालने का भी एक तरीका है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी 14 डिजिट की एनरोलमेंट आईडी डालनी है, उसके बाद जो आपकी डेट होती है उसको आपको इस तरीके के फॉर्मेट में फिल करना है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना ईयर फिल करना है, उसके बाद मंथ फिल करना है, फिर आपकी जो डेट है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 17 मई 2022 को अपना आधार कार्ड अपडेट कराते हो तो यहाँ पर आपको डेट इस तरीके से डालनी है। सबसे पहले आपको उसका ईयर डालना है 2022, फिर उसके बाद आपको मंथ डालना है 05, उसके बाद आपको डेट डालनी है 17 17। मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ईयर डालना है, उसके बाद अपना मंथ डालना है, फिर उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर डेट डालनी है, उसके बाद जो आपका टाइम है वो आपको इस तरीके से फिल कर देना है। तो एनरोलमेंट आईडी कैसे फिल करनी है ये तो आपको पता चल ही गया है। सबसे पहले 14 डिजिट आपको अपने एनरोलमेंट नंबर के फिल करने हैं, फिर उसके बाद जो 14 डिजिट आपके डेट और टाइम के हैं वो आपको यहाँ पर इस तरीके से फिल करने हैं। इसमें बस आपको डेट डालते हुए ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ईयर फिल करना है, फिर उसके बाद मंथ फिल करेंगे, उसके बाद अपनी डेट फिल करेंगे और जो आपका टाइम है उसको आप सेम ही फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आपको 28 डिजिट की अपनी एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपके पास SRN या URN नंबर है तो वो आप सेम ही यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी एनरोलमेंट आईडी फिल कर देता हूँ। एनरोलमेंट आईडी फिल करने के बाद जो आपको यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने एनरोलमेंट का स्टेटस खुलकर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, दिस एनरोलमेंट इज़ अंडर प्रोसेस, प्लीज़ चेक अगेन आफ्टर ए फ्यू डेज़। यानी जो आपका ये आधार कार्ड है वो भी अंडर प्रोसेस में है, जिसे आप कुछ दिन के बाद और चेक कर सकते हैं। जब आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड ये लिखा हुआ शो होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है या नहीं। जब अपडेट हो जाए तो आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। बस फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि एनरोलमेंट आईडी कैसे फिल करनी है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको अपनी एनरोलमेंट आईडी उसी तरीके से फिल करनी है, नहीं तो आप बाद में मेरे को कमेंट करोगे कि हमसे नहीं हो रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोबारा से देखें, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है आपको अपनी एनरोलमेंट आईडी उसी तरीके से फिल करनी है। तो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना और किसी का भी आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।